गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में पीठासीन और प्रथम मतदाता अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट के बारीकियों की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण और बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने औचक निरीक्षण किया और ट्रेनिंग दे रहे मास्टर ट्रेनरों से ट्रेनिंग के संबंध में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने ट्रेनिंग ले रहे पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारियों को मतदान कराने के टिप्स भी दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान को सुचितापूर्वक संपन्न कराने के लिए मतदान में कोई गड़बड़ी ना हो पाए। उधर कीजिए, हमारे शांत कीजिए। और
आप सभी से ये बहुत दिलचस्प कहना है, देखिए ये चुनाव का छोटे समय का है, कुछ ही दिनों का, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को एक सामान्य सत्र जो हम लोगों ने हॉल में कराया, उसके बाद हमने प्लान करके आप लोगों को यहाँ पर छोटी संख्या में और सभी उपकरणों के साथ मास्टर ट्रेनर्स के साथ इसलिए बिठाया है कि जब आप इस कमरे से बाहर जाएं तो आपके अंदर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपने दक्ष इस कमरे में अनाड़ी पना नहीं चलेगा, फर्श हो जाएगा और आपकी जो प्रकृति है इसमें आपकी जो पनिशमेंट है वो यहाँ चलते 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 यहाँ पहुंचेगी। हमें पता रहेगा कि फलाने पोलिंग बूथ पर फलाने प्रेजिडेंट ऑफिसर ने या पोलिंग ऑफिसर बनने की गलती की, हम बैकवर्ड उसको ट्रेस करके पता कर लेंगे किस रूप में उसकी ट्रेनिंग हुई। तो वो तो दंडित होगा ही होगा, हमें दंड मिलेगा कि शौक नहीं है। पिछला चुनाव का लोकल बॉडीज का उसमें एकल दुका को छोड़ के सबने एब्सोल्युटली एक्सपर्ट काम किया है, वही मैं अपेक्षा भी कर रहा हूँ। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश में समय केवल तीन जगह होता है, जो सामान्य बात होता है तो तमाम जगह होता है। आप लोग यहाँ पर इसलिए बुलाए गए हैं, कार्यालय का काम आपसे ज्यादा अपेक्षा नहीं है और मैंने कोई आपको आगे देने की छुट्टी भी नहीं दी। आप इस कमरे से तब निकलेंगे जब अपने आप से प्रश्न कर लेंगे कि क्या मैं 11 का मतदान कराने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ, मेरे मन में कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं, मेरे मन में कोई गैप्स तो नहीं। इसलिए ना केवल आप बहुत ध्यान से ये मास्टर ट्रेनर साहब को सुनिए, जितनी पूरी टीम है यहाँ पर जो यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा पूरी टीम उसको बहुत ध्यान से देखिए। और फिर सोचा जब ये इक्विपमेंट आपके सामने खुल के आया तो इसमें कंट्रोल यूनिट भी है, डायरेक्ट यूनिट भी है, इंडिकेटर भी है, अपने हाथ से करके देखते रहिए, जिससे कि आपका जो एक मेंटल नेटवर्क होता है ना वो बच जाए। विजुलाइज करिए बैठे कि मैं आप प्रेजाइडिंग ऑफिसर के रूप में बैठा हूँ और अब कोर्स शुरू करने वाला है, तो मैं सब तैयारी कर क्या मुझे सब आता है आई प्रॉपर्टी नो मॉक कोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मास्टर ट्रेनर साहब। आप जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर तक पहले ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं आप प्रेजाइडिंग ऑफिसर से बिना मॉक कोर्स कराए छोड़िए आप अपनी सेट हो ये कराएंगे नहीं, वहाँ नहीं कराएंगे तो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, मेरे काम में बाधा उत्पन्न होगी, ये तो परेश होंगे लेकिन मेरा काम भी रिजल्ट होगा। 2141 कोर्स में मैं चाहता हूँ कि एब्सोल्युटली फ्लॉलेस मॉक को 6 बजे शुरू हो और 7 बजे का रिपोर्ट शुरू हो। इसलिए हम इतनी मेहनत जितनी आप मेहनत आपसे करा रहे हैं उससे 20 गुना मेहनत मेरे लोग कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। इसलिए आपसे मेरी ये अपेक्षा है कि बहुत ध्यानपूर्वक बहुत महत्वपूर्ण काम है, छोटा काम है महत्वपूर्ण उसको आप अच्छे से सीखिए, इस तरह से रहिएगा। अगर ये आपको फर्जी सर्टिफिकेट दे देंगे तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा फर्जी सर्टिफिकेट अपने विभाग का कोई शासकीय कार्य करने की बाध्यता आपकी नहीं है। ये पूरा दिन मेरे
इलेक्शन खराब हो रहा होगा, इसकी वजह से बाधा पहुंची है, तो हम उसको ट्रेस करेंगे। फिर आपको सामने सामने पकड़ में आएंगे कि आपने ट्रेस करेंगे पीछे कि हमारे किस कमरे में किस मास्टर ट्रेनर ने उन लोगों को प्रशिक्षण दिया, क्या आपने प्रशिक्षण दिया, क्या प्रशिक्षण देने के बाद मास्टर ट्रेनर ने अपनी संतुष्टि के पश्चात आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया था कि आप उन्हें बाद में आरक्षण।